तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 07 में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद होगा, लास्ट एपिसोड जो लिनी होता है उसे स्टारफिश के अंदर एंट्री मिल चुकी होती है, क्योंकि भाई जो स्टारफिश होता है वो लिनी का ही होता है। फिलहाल ये सब देख के ना ये बंदा बहुत ज़्यादा सॉक्ड हो जाता है और इसकी टीम भी बहुत ज़्यादा सॉक्ड हो जाती है। तभी हम देखते हैं ये लड़की कह रही होती है कि ब्रदर लॉन्ग, अब तो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग गई, क्योंकि भाई ये लोग नहीं जा पाए और लिनी चला गया। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा क्या रहता है कि तो गाइस आप चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को ना 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, और बाद में जो भी कोई लाइव स्ट्रीमर जो तुम्हें पैसे वगैरह देगा, ठीक है, तो मैं उसके दुगना दूंगा, ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो। ये बंदा बोल रहा होता है उनसे, कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को डबल पैसे दूंगा। अब ये सब बोल के मतलब ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है कि जो ये लोग स्टारफिश के अंदर आते हैं, मतलब जो शिप है उसके अंदर आते हैं। अब हमें बाहर से व्यू दिखाई देता है जो कि बहुत प्यारा लग रहा होता है। हम देखते हैं ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, कह रही थी कि गाइस देखो हम लोग स्टारफिश में के ऊपर हैं, ये तो सच में पैसों का पूरा लायक है, ये सब बात कर रहे होता है। तभी हम देखते हैं लेनी कहने लगता है कि देखो यहाँ पर ना इस शिप के अंदर एक स्विमिंग पूल भी है। अब हम सब देखते हैं कि यही सब बातें हो रही होती है। तभी हम देखते हैं 2-4 लोग और आते हैं लिनी से काम की बात करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं लिनी साफ मना कर देता है, कह रहा था कि बाद में आना, मुझे अभी कुछ काम है। हम देखते हैं लिनी ने लोगों को मना कर देता है। तभी हम देखते हैं ये लोग कह रहे होते हैं कि हाँ ठीक है बॉस। अब ये लोग बेचारे कुछ कह भी नहीं पाते। तभी हम देखते हैं वो बोलने लगती है कि तो मास्क ब्रदर देखो, आप हमारी जो पॉपुलरिटी है ना वो 5 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी है, तो आप रेड पॉकेट कब रिलीज़ करने वाले हो, बताओ जरा इन लोगों को। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि ठीक है मैं अभी रिलीज़ करता हूँ। बट हम देखते हैं वो बोलने लगती है कि मास्क ब्रदर रुको, फैंस बोल रहे हैं कि जो लॉन्ग सुहाई है उसने मतलब डबल पैसे देना चाह रहा है, लाइक वो सब लोगों को बहुत सारे पैसे दे रहा है, मतलब वो आपको क्रश करना चाहता है। अभी ऐसी बात बोल ली होती। तभी हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अच्छा ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने किसी से सुना कि कोई बंदा मुझे क्रश करना चाहता है। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं वो कितना पैसे पे करने वाला है और मैं उसका दुगना पे करूंगा, चिंता मत करो मैं हारने वाला नहीं हूँ। हम देखते हैं लेनी ऐसा कुछ कहने लगता है। तभी हम देखते हैं वो कहने लगती है कि ओ शिट हम क्या करें अब, उसने तो कम से कम 50,000 रुपये रेड पॉकेट दे सेंड कर दिया। अब जैसे ये बात बोल दिया ना लेनी ये सब देख रहा होता है और कह रहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं वो और कितना पैसा पे कर सकता है, उसके बाद हम पे करेंगे, तुम चिंता मत करो एट द एंड हम ही जीतने वाले हैं। अब लेनी जैसी ये बात बोलता है ना वो लड़की खुश हो जाती है, कह रही होती है कि ठीक है अगर मान लो उसने 1 मिलियन पे कर दिए तो क्या हमें 2 मिलियन पे करना पड़ेगा, बताओ। अब ये क्वेश्चन जैसी पूछती है ना लेनी भी सोच में पड़ जाता है और कह रहा होता है कि ठीक है कोई बात नहीं मैं इससे डबल पे करूंगा, तुम चिंता मत करो। हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि अगर कैसा रहेगा कि मैं पहले 1 मिलियन पे कर दूँ फिर उसे 2 मिलियन पे करने पड़ेंगे ना। अब भाई जैसी लेनी ये बात बोलता है ना वो लड़की कह रही होती है कि वाह ब्रदर लिन तुम तो बहुत स्मार्ट हो, बहुत पावरफुल हो और डोमिनेटिंग भी हो। फिलहाल लेनी कह रहा था कि थैंक यू सो मच। तभी हम देखते हैं वो कम से कम बहुत सारे पैसे पे कर देता है, जो रेड पॉकेट होता है वो पे कर देता है लाइव स्ट्रीमिंग पे। अब जो जो बंदे लेना चाहे वो ले सकते हैं। तभी हम देखते हैं उसके पास ना रिक्वेस्ट आती है उसी बंदर की। तभी ये लड़की कहने लगती है कि ब्रदर लिन देखो सुहाई की ना रिक्वेस्ट आ रखी है कनेक्ट करने की, तो क्या आप कनेक्ट करना चाहते हो। लेनी कहने लगता है कि हाँ ठीक है तुम कनेक्ट कर दो। तभी हम देखते हैं ये लोग कनेक्ट कर देते हैं। अब वो बंदा कह रहा था कि डूड क्या तुम हम लोगों से नर्वस हो रहे हो या फिर जेलस हो रहे हो, बताओ जरा। अब लेनी कह रहा था कि अरे किस टाइप की बातें हो रही है ये, वैसे भी तुमने नहीं कहा था कि तुम डबल रेड पॉकेट सेंड करने वाले, तो करो फिर क्योंकि मैं तो 1 मिलियन कम से कम सेंड करने वाला हूं। अब हम देखते हैं लेनी जैसे ये बात बोलता है ना लेनी और भी बात बोलने लगता है, कह रहा था कि तो तुम्हें क्या डर लग रहा है, देखो मैं तुम्हारे साथ ना कॉम्पिटिशन करना चाहता हूँ। अब लेनी साफ साफ बोल देता है उस बंदे से। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा क्या रहता है कि अच्छा कॉम्पिटिशन वो भी मेरे से। हम देखते हैं ये बंदा क्या रहता है कि अरे देखो तुम अपना पहले चेहरा बचाओ, ठीक है। अब ये बंदा थोड़ा गुस्से में होता है और थोड़ा घमंडी टाइप का दिखा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि अच्छा ऐसी बात है। लेनी क्या लगता है कि देखो तुम्हें क्या लगता है कि पैसे मैं ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम्हें क्या मैं गरीब दिखाई दे रहा हूँ। अब ये बात तो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। फिलहाल हम देखते हैं ये सब बातें कर रहे होते हैं। लेनी कह रहा था कि ठीक है फिर तुम ना इसे कम से कम 1 मिलियन रेड पॉकेट सेंड करो। अब जैसी वो बात बोलता है ना वो लड़की कह रही होती है कि हाँ ठीक है। अब ये बंदा सॉक्ड हो जाता है, कह रहा था कि वेट अ मिनट तुम लोग क्या बात कर रहे हो, क्या 1 मिलियन रेड पॉकेट। अब जैसी ये बात बोलता है ये बंदा बहुत ज़्यादा सॉक्ड हो चुका होता है ये बात सुन के। सॉरी हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि ठीक है मास्क ब्रदर हमने सेंड कर दिया है 1 मिलियन। अब वो जैसी बोलती है ना 1 मिलियन सेंड कर दिया। फिलहाल हम देखते हैं इनके पास तो जो ऑडियंस होती है उसकी लॉटरी लग जाती है, क्योंकि ऑडियंस बहुत सारी आ जाती है क्योंकि भाई इन लोगों को फ्री का पैसे मिलने हैं और क्या चाहिए। फिलहाल हम देखते हैं वो दूसरे वाले बंदे बहुत ज़्यादा सॉक्ड हो जाते हैं, कह रहे थे क्या 1 मिलियन कम से कम सेंड कर दिया, ओह शिट। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा सॉक्ड हो चुका है। फिलहाल इसकी जो ऑडियंस है वो जा चुकी है। अब हम देखते हैं ये बंदा क्या रहता है कि गाइस रुको तुम लोग कहाँ जा रहे हो, देखो पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। ये बंदा क्या रहता है कि तुम बस मेरा विश्वास करो मैं तुम लोग को डबल पैसे से सेंड करूँगा। हम देखते हैं ये बंदा क्या रहता है कि प्लीज़ जाओ मत गाइस पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है मैं बहुत सारे पैसे सेंड करूँगा। बट हम देखते हैं ऑडियंस जाए जा रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लड़की इसके साथ में होती है ना वो कह रही थी कि हमारी हाफ जो पॉपुलरिटी है वो जा चुकी है, अब हमें कुछ करना पड़ेगा नहीं तो हम लोग फिनिश हो जाएंगे। अब ये लड़की जो कि इस बंदे को बोल रही होती है सुहाई को। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा क्या रहता है कि ठीक है फिर
मैं फंस गया इस टाइम पे। हम देखते हैं ये बंदा थोड़ा मुंह बनाता, अजीब सा मुंह बनाता, वो कह रहा था कि मैं उसकी ट्रैप में फंस गया। उसने पक्का पक्का पहले ही जो है प्रेडिक्ट कर लिया हो कि मैं कम से कम 2 मिलियन तक नहीं फेंक पाऊंगा, मेरे पास 1 मिलियन ही होंगे, इसलिए उसने पहले 1 मिलियन सेंड कर दिए। अब मेरे को 2 मिलियन सेंड करने पड़ेंगे। हम देखते हैं ये बंदा बहुत ज़्यादा सॉकड हो चुका होता है उसकी प्लानिंग देख के। फिलहाल ये लड़की कह रही होती है कि हाँ हाँ तुम अब कंप्लेन मत करो, ठीक है, एक सॉल्यूशन फाइंड करो इस मैटर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अदरवाइज हम लोग ना यहाँ पे हार जाएंगे और मतलब हमारी ऑडियंस चली जाएगी। फिलहाल ये बंदा ये लड़की जो कि ऐसे कुछ बोल रही होती है, ये बंदा कह रहा था कि ठीक है फिर मैं अभी कुछ करता हूँ। वो कहने लगता है कि देखो तुम मुझे 6 लाख रुपये सेंड करो, ठीक है। वो लड़की कहने लगती है कि क्या 6 लाख रुपए? हम देखते हैं ये बंदा क्या रहता है कि हाँ तुम अभी मेरे को सेंड करो, ठीक है, मैं अभी 2 मिलियन सेंड करता हूँ रेड पॉकेट, मैं आज बिल्कुल भी नहीं हारूंगा इस बंदे से। हम देखते हैं बंदा ये सब बोल रहा होता है, क्या रहता है कि आज मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगा, मैं आज उसे फेस करूंगा और उसे सबक सिखाऊंगा, ये सब बोलने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा बोलने लगता है कि तुम चिंता मत करो, जैसे मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे आते रहते हैं। ये लड़की कहने लगती है कि ठीक है मैं तुम्हें ट्रांसफर करती हूँ। अब हम देखते हैं ये लोग ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये बंदा खुशी खुशी अपनी ऑडियंस के पास आता है, कह रहा है गाइस देखो तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोग को 2 मिलियन सेंड करने वाला हूँ, तुम चिंता मत करो, ये गाइस रेडी हो जाओ। फिलहाल ये बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कह रहा था कि गाइस तुम लोग चिंता मत करो, बस पैसे आने वाले हैं, बस 5 मिनट रुको तुम, ठीक है, तुम बस पैसे ग्रैब कर लो, मतलब पकड़ लो, ठीक है, जाना मत। फिलहाल हम देखते हैं इसकी पॉपुलरिटी और ज़्यादा बढ़ने लगती है, लाइक इस बंदे की पॉपुलरिटी बढ़ने लगती है क्योंकि ये 2 मिलियन सेंड करने वाला है ना। हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि वाओ ऑडियंस के नंबर बढ़े जा रहे हैं। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा कह रहा था कि उन बंदों के साथ कनेक्ट करो, हाँ हाँ तो बताओ मैं अब तुम्हें 2 मिलियन सेंड करने वाला हूँ, तो अब तुम लोग 4 मिलियन की कम से कम रेड पॉकेट का इंतजाम करो, ठीक है। अभी बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, बट हम देखते हैं वो लड़की सॉफ्ट हो जाती है। बट हम देखते हैं ये लिनी बोलने लगता है कि साफ आए अब तुम 4 मिलियन का जुगाड़ करो, ठीक है, क्योंकि 2 मिलियन तो मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिए। अब लिनी जैसे ये बात बोलता है ना भाई, वो लड़की खुश हो जाती है, वो देख रही होती क्या, ओ गॉड शिट, ये अब यहाँ से ना बहुत सारे 2 मिलियन जा चुके हैं, अब वो बंदा 2 मिलियन सेंड करना मतलब थोड़ा लेट हो जाता है, इसी चक्कर में उसे अब 4 मिलियन सेंड करने हैं। फिलहाल इतना सारा पैसा देख के ना ये बंदा सॉफ्ट हो जाता है, कह रहा था क्या। तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये बंदा कहने लगता है ये तो गाइस आई एम रियली सॉरी, मुझे ना खाना खाने जाना है, ठीक है, मेरे को इन्विटेशन आ चुका है, तो आज की लाइव स्ट्रीमिंग बस हो गई, ठीक है, मैं कल करूँगा। अब ये बंदा ये सब बोल के मतलब अपनी लाइव जो स्ट्रीमिंग होती है वो ऑफ कर देता है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ये बोलने लगती है तो अब सब कुछ ख़त्म हो गया, तुम्हारा नाम, तुम्हारा जिस जो बंदे कहते थे कि तुम आउटडोर टूर जो एंकर हो, नंबर 1 एंकर हो, जो कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, वो पर्सन तुम्हारा नाम ले गया, सब कुछ ले गया, उसने टाइटल वगैरह सब कुछ ले लिया। ये बंदा कह रहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं उसे हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन मेरे बॉस तो हैंडल कर सकते हैं ना, चलो हम लोग बॉस के पास चलते हैं, उनसे बात करेंगे। अब हम देखते हैं इनकी पूरी टीम जा रही होती है अपने बॉस के पास, तभी हम देखते हैं ये लोग भी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ करने वाले होते हैं। ये लड़की कह रही थी कि ब्रदर लिन देखो आज तो हम लोगों ने उस बंदे को सच में हरा दिया, ये आपने तो उसे क्रश कर दिया बिल्कुल। हम देखते हैं लिनी भी अपनी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो ऑफ कर देता है, और वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो दिखाई दे रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि तो ठीक है एट दी एंड हम लोग जीत गए हैं, ये देखो सुनो मेरे पास ना बिजनेस के लिए कुछ बहुत सारे काम करने हैं, तो तुम जाओ अपने हिसाब से, ठीक है, मैं जब डन हो जाऊँगा तब मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। अब लिनी ये सब बोल के मतलब बोल रहा होता, तभी हम देखते हैं वो लड़की जाने लगती है। लिनी कहने लगता है कि उन लोगों से तो तुम लोग यहाँ पर बात करो, कहीं और चल के बात करते हैं। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है कि जो लिनी है ना वो सिप के प्राइवेट कैबिनेट में आ चुका होता है, कैबिन में आ चुका होता है। तो लिनी बोलने लगता है कि तो बताओ तुम्हें क्या काम था मेरे से, क्या तुम कोई प्रॉब्लम वगैरह में फंस चुके हो क्या। हम देखते हैं लिनी इनसे ये सब क्वेश्चन कर रहा होता है, ये बंदा बोल रहा था कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हम देखते हैं वो उसे एक डॉक्यूमेंट दे रहा होता है, कह रहा होता है कि ये लो हमने ये सब चेक कर लिया है, तुम बस एक बार देख लो इसे, ये इंपॉर्टेंट वर्क है थोड़ा। अब हम देखते हैं लेनी जो है पेपर वगैरह चेक कर रहा होता है, कह रहा था कि अरे देखो मेरे से ज़्यादा तुम लोग प्रोफेशनल हो, ठीक है, तो तुम लोग अपने हिसाब से देख लो क्योंकि मैं इस फील्ड में इतना खास हूँ नहीं, ठीक है, मेरे को तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है। अभी वो लेनी जैसे ही बोलता है ये बंदा खुश हो जाता है, कह रहा था कि थैंक यू सो मच मिस्टर लिन कि आप हमारे प्रति इतना ट्रस्ट दिखा रहे हो। अब वो कह रहा था कि देखो आप चिंता मत करो, मैं आपको मतलब आपको झुकाने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा। वो कहने लगता है कि मिस्टर लिन वैसे मेरे को आपसे कुछ पूछना था कि क्या तुम किसी VA फैमिली से जानते हो, किसी को जानते हो। अब लिनी सोच रहा होता है क्या VA फैमिली से, मैं किसी को नहीं जानता। अब लिनी साफ मना कर देता है क्योंकि भाई वो खुद नहीं जानता किसी VA फैमिली को, आखिर है कौन। तभी हम देखते हैं ये पर्सन बताने लगता है, कह रहा होता है कि स्टार्टिंग में ना पता नहीं क्या हुआ, वो लोग हमारे पास आए और उन लोगों ने ना हम लोग को डोनेट किया, लाइक 10 मिलियन कम से कम डोनेट किया। उन लोगों ने कहा कि हमारे जो कंपनी है उन लोग हमारी कंपनी को अप्रिशिएट किया और हम लोग को 10 मिलियन डोनेट किया है। अब वो बोले कि इन फ्यूचर आई होप कि हम लोग के साथ कोऑपरेशन अच्छा रहेगा। अब लिनी इसकी बात सुनता है, कह रहा था कि अच्छा ठीक है फिर तुम लोग अपने हिसाब से रिसर्च वगैरह करो, ठीक है, और एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करो ताकि जो फेवर है तुम लोग उसे रिटर्न कर दो, ठीक है। अब लिनी कहने लगता है कि तो तुम लोग जो है ना उन्हें पैसे ना कम से कम 30 मिलियन से ज़्यादा दे देना, ठीक है। अब लिनी ये सब बता रहा होता है और शराब पी रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लिनी ये सब बताते बताते कह रहा था कि ठीक है
जब तुम उनसे कांटेक्ट करो ना, या फिर उन लोग से कांटेक्ट करो, तो तुम मुझे बस कॉल कर देना याद से, ठीक है? वो पर्सन कहने लगता है कि हाँ ठीक है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लिनी अपने शिप से नीचे उतर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की आ चुकी होती है टीवी वाली। अब ये होस्ट येन होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो आ जाती, कह रही होती कि हेलो मिस्टर लिन, देखो मैंने आपकी लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह वॉच करी है, मतलब देखी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आपसे मिल के आ जाऊँ पर्सनली। अभी ऐसी बोली होती है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी क्या होता है कि ओ होस्ट यान, तुम यहाँ पे, तुम्हारी जैसी क्लासी पर्सन यहाँ पर कैसे, तो मतलब तुम यहाँ पर इस प्लेस पे कैसे आ गए यार, बताओ। अब लेनी इससे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि अरे नहीं नहीं देखो तुम, मतलब मेरे से ज़्यादा फ्रेम तो तुम्हारा है, तुम मेरे को मतलब मजाक बना रहे हो, तो मेरा मजाक मत बनाओ, ठीक है? अब वो लड़की ऐसा बोल रही होती है, वो कह रही होती है कि मिस्टर लिन देखो मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मेरे को ना आपसे हेल्प चाहिए। अब ये सब बता नहीं लगती, कह रही होती है कि मेरे को आपकी हेल्प चाहिए। लिनी कह रहा होता है कि हेल्प चाहिए किस बारे में? अब लिनी इससे क्वेश्चन कर रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कहने लगती है कि देखो हमारा जो एक टीवी प्रोग्राम है ना, वो प्रोग्राम शिफ्ट हो चुका है, तो मैं आपको इनवाइट करने के लिए आई हूँ। वो कहने लगते हैं कि एक प्रोग्राम है वाइल्डनेस सर्वाइवल के नाम से, ठीक है, तो आपको भी आना पड़ेगा, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ कि नेक्स्ट मंथ जो हमारी रिकॉर्डिंग है उसमें तो आप आओ, और उसके अंदर काफ़ी मज़ा आएगा, आप चिंता मत करो, पहाड़ों पर चढ़ना होगा, रॉक क्लाइंबिंग, ये सब बता रही होती है। हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि अरे मैं क्यों। अब लिनी मतलब मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं देखो मैं सुटेबल नहीं हूँ, मुझे लगता है कि तुमने ना गलत आदमी को ढूंढ लिया। अब लिनी बता रहा होता है कि तुम, मुझे लग रहा है कि तुम गलत आदमी को ढूंढ रहे हो, क्योंकि मैं तो आउटडोर एंकर हूँ यार, मैं वाइल्डनेस सर्वाइवल कैसे कर पाऊँगा, मैं तो छोटा सा, मतलब बिल्कुल भी गैप नहीं हमारे बीच में। हम देखते हैं वो लड़की कहने लगती है कि अरे नहीं नहीं मैंने तुम्हारे हैंड मूवमेंट देखे हैं यार, वो काफ़ी अच्छे हैं। वो लड़की बता रही होती है कि तुम ना हमारे प्रोग्राम के लिए परफेक्ट हो, ठीक है, और आप चिंता मत करो क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट आने वाले हैं जो कि मास्टर हैं, तो आपको उनसे मिलने का मौका भी मिल जाएगा और काफ़ी एक्साइटमेंट होने वाला है, ठीक है, तो आप अपने आप को ना अचीव भी कर सकते हो। हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि अच्छा अच्छा ठीक है। अब लेनी बेचारा मना भी नहीं कर पाता, कह रहा था कि ऑल राइट ठीक है मैं अग्री कर जाता हूँ इस टाइम पर, देखो जब टाइम आ जाए तो तुम मुझे बुला लेना, ठीक है। हम देखते हैं लेनी ये सब बताने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारा नाम वगैरह लिख लेती हूँ, ठीक है। अब वो लड़की कह रही होती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ ना टर्मिनल तक चलना चाहती हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ मना मत करना। अब ये सब बता रही होती है, कह रही होती है कि यहाँ पर कम वगैरह भी है, ठीक है। हम देखते हैं ये लोग मतलब बातें करते हुए जा रहे होते हैं टर्मिनल पे। तभी थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बार का सीन दिखाई देता है। बार का नाम होता है द क्वीन बार। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग आ चुके होते हैं यहाँ पे जो पहले लाइव स्ट्रीमिंग वाले थे। ये लड़की कह रही होती है कि वाओ यहाँ पे काफ़ी मज़ा आने वाला है। फिलहाल हम देखते हैं ये पर्सन बोलने लगता है कि हाँ वैसे भी कल शो होने वाला है तो फिर आज हम मज़े वगैरह कर लेते हैं। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग बार के अंदर आ चुके होते हैं और हम देखते हैं वो दोनों दरवाज़ा जैसे ही ओपन करते हैं ना, वैसे ही उस लड़की को ना बहुत ज़्यादा शोर शराबा दिखाई दे रहा होता है। ये लड़की कह रही होती है कि ओह शिट कितना शोर हो रहा है, क्योंकि गाने की जो वॉइस होती है बहुत तेज़ होती है, लाइक जो म्यूज़िक होता है बहुत तेज़ होता है। फिलहाल हम देखते हैं दरवाज़ा ओपन करके अंदर की तरफ आ चुकी होते हैं। तभी हम देखते हैं एक लड़की भागती हुई आ रही होती है, कह रही होती है कि वाओ क्वीन बिंग आप आ गई। अब ये ऐसे बोल रही होती है, उस लड़की का नाम क्वीन बिंग होता है। फिलहाल हम देखते हैं इस लड़की का नाम हैन है और ये मतलब ये भी एक एंकर है। फिलहाल इसका नाम हैंग फैंग है। फिलहाल हम देखते हैं ये पर्सन आता है, कह रहा था कि बॉस आज मेरे साथ ये हुआ। अब ये ना लेनी के बारे में सब कुछ बता देता है, सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। तभी हम देखते हैं ये पर्सन कह रहा था कि ओ हमें बता दो, ये पर्सन ना मीडिया मतलब ग्लेशियर मीडिया का ऑनर है। फिलहाल हम देखते हैं ये पर्सन बोल रहा था कि पहले तो उस पर्सन ने लैओ के साथ ऐसा कुछ किया और मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसने तुम्हारे साथ भी ऐसा किया, कि उसने तुम्हारा बिजनेस पूरा का पूरा बिजनेस खराब कर दिया। हम देखते हैं लाइटर वगैरह जला रहा होता है सिगरेट से। तभी हम देखते हैं ये दूसरी पर्सन बता रही होती है कि हाँ पता नहीं उसके ना बहुत सारे फैन हैं, एक रिच वुमेन है जो कि बहुत सारे पैसे उसे पे करती रहती है। फिलहाल ये सब बता रही होती है। तभी हम देखते हैं ये पर्सन बोल रहा होता है कि हाँ मैंने सुना है कि उसने ना एक कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है और उसकी कम से कम वैल्यू 50 मिलियन से ज़्यादा होगी। अब हम देखते हैं दूसरी पर्सन बोल रही होती है कि हाँ अब हमें क्या करना चाहिए बताओ जरा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब हमने कुछ नहीं किया ना तो फिर लॉन्ग सुहाई का जो लाइफ कैरियर है वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये सब पूछ रही होती है इससे। हम देखते हैं बॉस कह रहा होता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, पहले तो मुझे उससे बात करनी होगी कि उसके पीछे का बॉस कौन है, ठीक है, फिर काफ़ी आसानी से मैं उसे हैंडल कर पाऊंगा। तभी हम देखते हैं ये पर्सन बोल रहा होता है कि हाँ मैंने उसे प्राइवेटली मैसेज कर दिया है यहाँ पर आने के लिए, ठीक है आप चिंता मत करो, वो बार में मिलता ही होगा हमसे। तभी थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लेनी भी अपनी पैगनी लेके आ चुका होता है यहाँ पर और हम देखते हैं लेनी अंदर की तरफ आता है धीरे धीरे करके। तभी हम देखते हैं ये लोग अंदर आते हैं और जो बाहर के जो वेटर्स होते हैं वो इन्हें वेलकम वगैरह कर रहे होते हैं। अब इनका पार्टी वगैरह डांस देख के ना हम देखते हैं वो जो लड़की होती है लिनी के साथ में, वो कह रही होती है कि ओह शिट इन लोगों को तो कुछ रेस्पेक्ट और शर्म वगैरह है ही नहीं, सच में कितने बेशरम लोग हैं। अब ये लड़की ऐसे बोल रही होती है, बट हम देखते हैं लिनी उसे समझाता है, कह रहा होता है कि कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये बस दुनिया की दूसरी साइड है, ठीक है, जो जिससे तुम बहुत ज़्यादा अनजान हो, ठीक है, तो तुम्हें बस साहसी और ब्रेव रहना है, ठीक है, इन लोगों से बस दूर रहो।
फिलहाल हम देखते हैं ये लोग ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं बार के अंदर, तभी हमें एक रूम दिखाई देता है V303 का। तभी हम देखते हैं लेनी मतलब दरवाजे को ना लात दे के मारता है, लात दे के मार के अंदर आता है। अब हम देखते हैं वो जैसी लात दे के मारता है ना, ये लोग सॉक्ड हो जाते हैं, कह रहे थे कि हैं ये बंदा लात दे के मार रहा है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी इसके पास आता है, इन लोगों के पास आता है और कह रहा था कि हाँ तो बोलो तुम लोग को मेरे से क्या काम था, बताओ जरा मैं आ गया तुम लोगों के पास। अब लेनी इनके पास आके खड़ा हो चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन बोलने लगता है कि देखो मेरे को ना तुमसे लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात करनी थी, ठीक है, तो चलो तुम बैठ जाओ आराम से और आराम से बात करो, ठीक है। अब ये स्लोली स्लोली बात करने के लिए बोल रहा था, कह रहा था कि ये देखो ये ना मेरे बॉस है और ये तुमसे डील करना चाहते हैं। अब ये पर्सन बोल रहा था, कह रहा था कि ये हमारे मीडिया के ऑनर हैं और ये तुमसे बात वगैरह डील वगैरह करना चाहते हैं। फिलहाल लेनी कह रहा था कि कान खुजाते हुए तो बोलो ना तुमसे क्या बात करनी है, हाँ बताओ क्या बात करनी है तुम्हें, क्या डील करना है मेरे से। अब लेनी मतलब थोड़ा एटीट्यूड में दिखाते हुए बात कर रहा था। फिलहाल हम देखते हैं ये पर्सन बोल रहा था कि तो बताओ तुम्हारे पीछे का जो ऑनर है लाइक जो तुम्हारा बॉस है वो कौन है, तुम्हारे पीछे कौन है, बताओ कौन खड़ा है तुम्हारे पीछे, मैं उससे ज़्यादा ऑफर करूँगा तुम्हें, ठीक है, तुम मेरी कंपनी में आ जाओ, लाइक जो मेरी मीडिया कंपनी है उसके अंदर काम करना स्टार्ट कर दो। बट हम देखते लेनी कह रहा था कि बस यही कहना है, ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, वैसे तुम जैसे इडियट के साथ में मुझे कोई कोऑपरेट नहीं करना। अब लेनी ये बोलता हुआ ना मतलब जाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं पर्सन गुस्से में खड़ा होता है, कह रहा था कि लेनी मेरी बात सुन लो, ठीक है, मेरी सलाह मानो और बेशरम भावना बंद कर दो, ठीक है, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की हैरान हो जाती है, कह रही थी कि बॉस अब हमें क्या करना चाहिए, हम तो गए। अब ये पूछ रही होती है लिनी से। फिलहाल हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि अरे तुम्हारे पास कोई पर वगैरह है क्या, पैरों से चलना है तो चलो फिर। अब लिनी साफ साफ बोल देता है उस लड़की को। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की भी जा रही होती चुपचाप। तभी हम देखते हैं वो जो लड़की थी ना हैन, वो कह रही थी कि शिट ये लोग तो मतलब प्यार की बात ये माने ही नहीं, अब हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा क्योंकि अब मुझे लग रहा है ना कि ये हार्ड हो चुका है ब्रदर बैंग, अब कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है फिर तुम लोग सारी अरेंजमेंट वगैरह करो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। हम देखते हैं वो लड़की कॉल कर रही होती है, कह रही होती है कि ठीक है ठीक है। अब वो किसी पर्सन को कॉल लगा देती है और थोड़ी देर के बाद कह रही होती है कि हाँ वो लोग नीचे ही हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देती है। फिलहाल हम देखते हैं ये पर्सन खड़ा होता है, कह रहा है कि चलो ठीक है मैं आई गेस वो लोग ना नीचे ही होंगे, अब हम चल के देखते हैं कि आखिर नीचे हो क्या रहा है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं बाहर के अंदर ना बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं, अब ये गुंडा मवाली वगैरह आ चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं एक पर्सन आता है, कह रहा था कि डूड देखो हम सब ना फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो। अब ये पर्सन आता है लेनी के पास, अब ये सब बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो उसे वाइन की बोतल देता है और इसका नाम काइली होता है। ये कह रहा था कि आराम से बैठ के बात करो ना, चलो ड्रिंक करते हैं। अब ये पर्सन लेनी को ड्रिंक करने के लिए बोल रहा होता है। लेनी कह रहा था कि अच्छा तो तुम लोगों को हॉस्पिटलाइज होना है क्या। अब लेनी इनसे बोल रहा होता है, कह रहा था कि तुम्हें हॉस्पिटलाइज होना है। फिलहाल ये पर्सन बोल रहा होता है कि देखो अगर तुम ड्रिंक नहीं करोगे ना तो तुम यहाँ से जा नहीं सकते। अब ये पर्सन अपनी जो ड्रिंक की बोतल है वो हिला डुला के बोल रहा होता है इस पर्सन लेनी से। फिलहाल हम देखते हैं ये पर्सन बोलने लगता है वो ऊपर खड़ा हुआ, कह रहा था कि देखो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये पर्सन यहाँ तक बोलेगा, खैर देखते हैं इसके अंदर कितनी हिम्मत है। जो दूसरा पर्सन होता है ना वो कह रहा था कि बॉस आप तो काफ़ी अच्छे हो, अब ये तारीफ कर रहा है बॉस की। फिलहाल हम देखते हैं ये पर्सन बोलने लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले लेनी यहाँ पे शेर की तरह आया था और देखो नीचे जैसे भीगी बिल्ली बन चुका है, इसकी आंख में देखो तो जरा खौफ दिखाई दे रहा है मेरे को, खैर ये हिम्मत नहीं करेगा जाने की। तभी हम देखते हैं लोग बाग आपस में बात कर रहे होते, कहते हैं कि ड्रिंक करो ड्रिंक करो ये ड्रिंक करो ड्रिंक करो, अब सबके सब जोर जोर से चिल्ला रहे हैं ड्रिंक करो ड्रिंक करो। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन बोलने लगता है कि डूड देखो अगर तुमने ड्रिंक नहीं किया ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा, तो जाने से पहले एक बार ड्रिंक कर लो। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अच्छा ओनली वाइन बिना कप के, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। अब वो जो लड़की होती है लेनी के साथ में वो कह रही होती है कि शिट ड्रिंक करना ना बहुत बड़ी गलती होगी क्योंकि अगर हमने ड्रिंक कर दिया पूरी बोतल, अगर एक पर्सन पूरी बोतल पिएगा तो फिर वो हमें जानलेवा हो सकता है तो हम मारे जाएंगे। अब वो बंदा बोल रहा होता है कि हाँ तुमने सही बोला, मुझे लगता है तुम सही बोल लियो। अब वो कहने लगता है कि देखो तुम ड्रिंक करो फिर हम ड्रिंक करेंगे साथ साथ में, ठीक है बताओ कैसा है। हम देखते हैं लेनी उससे ड्रिंक की बोतल छीन लेता है। अब मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर लेनी ने ड्रिंक करनी स्टार्ट क्यों करी। खैर हम देखते हैं लेनी ड्रिंक की ढक्कन खोलता है और कह रहा था कि ठीक है फिर इसका टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है तो मैं ड्रिंक कर सकता हूँ। अब वो जो लड़की होती है लेनी के साथ में आई होती है वो कह रही थी कि ओह शिट लेनी ड्रिंक करने वाला है, वो मुंह पे हाथ रख लेती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं लेनी मतलब सारी ड्रिंक कर लेता है गटागट गटागट करके और हम देखते हैं वो कह रहा था कि रॉबिन पावर ये। अब लेनी मतलब अंदर से जोश जोश में आ चुका है। फिलहाल ये देख के ना सबके सब हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि भाई लेनी ने पूरी एक बोतल पी ली होती है वाइन की, मतलब मजाक थोड़ी ना। फिलहाल वो वाइन की बोतल नीचे उड़ेल के देख कह रहा होता है कि देखो मैंने सारी बोतल पी ली है अब तुम लोग की बारी है तब तुम पियो। फिलहाल ये पर्सन बोल रहा होता है कि हा 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 हम पिए बहुत अच्छा मजाक किया तुमने, देखो तुम लोग ना आउटसाइडर हो ठीक है तो ये मैटर नहीं करता है कि हम पिए या फिर ना पिए, तो बस तो हम तुम लोगों के साथ खेल लेते। अब ये पर्सन ये सब बता रहा होता है। अब लेनी कह रहा था कि अच्छा तो तुम नहीं पीने वाले। अब लेनी इससे गुस्से में बात कर रहा होता है, ये पर्सन कह रहा था कि हाँ तुमने सही कहा हम नहीं पीने वाले।
अभी पर्सन ना हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ 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 तुम, मैं नहीं पीऊंगा, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो करना है कर लो ठीक है, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोल रहा था कि डूड तुम्हें मजा, मतलब तुम्हें पागल बनाना कितना आसान है सच में, विश्वास करो या मत करो, मैं तो पीने वाला नहीं हूँ। अब लेनी कह रहा था कि अच्छा तो तुम मुझे बुली करना चाहते हो, फिलहाल हम देखते हैं। लेनी गुस्से में आता है, वो भाई उसके मुंह पे ना ड्रिंक की बोतल देके मारता है। फिलहाल उसके मुंह पे जैसी ड्रिंक की बोतल देके मारता है ना, वो पर्सन नीचे जाके गिर जाता है और उसके सर से खून वगैरह निकलने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं ये सारे के सारे हैरान हो चुके होते हैं, जितने भी लोग होते हैं। ये पर्सन बोल रहा था कि ओ शिट, मैंने तो इसे कम समझा था, ये पर्सन तो बहुत खतरनाक निकला। फिलहाल एक पर्सन इसके पास आता, कह रहा था कि तुम्हें पता भी है तुमने किस पे हाथ उठाया है, तुम जानते भी हो उस पर्सन को। अब ये पर्सन ना लेनी के ऊपर चिल्ला रहा होता है, बट हम देखते लेनी कह रहा था कि दफा हो जाए यहाँ से, नहीं तो बेटा तू भी लेटा हुआ मिलेगा। अब लेनी गुस्से में बात कर रहा होता है इससे, अब बोतल के ऊपर खून के छींटे वगैरह लगे होते हैं। फिलहाल हम देखते लेनी एक वेटर से बोतल छीलता है वाइन की, अब वो कह रहा होता है कि ये ले पी इसे, नहीं पिएगा तो फिर तेरा हाथ एक मैं तोड़ दूंगा। अब लेनी गुस्से में होता है, कह रहा था कि अगर तूने वाइन नहीं पीना तो मैं तेरा एक हाथ तोड़ दूंगा, जल्दी पी इसे। अब लेनी गुस्से में होता है, कह रहा था कि जल्दी पी नहीं तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो जबरदस्ती वाइन पीने लगता है, कह रहा था कि शिट शिट पी रहा हूँ पी रहा हूँ। पीने के बाद ना वो मतलब बहुत सारी उल्टी वगैरह कर देता है। फिलहाल हम देखते हैं उसकी हालत पतली हो चुकी होती है, एक तो सर में वाइन भी खुलवा ली और पीना भी पड़ा। खैर हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि चलो चलते हैं यहाँ से। अब बदला पूरा होने के बाद हम देखते हैं लेनी खड़ा होता है और नशे की हालत में तो वैसे ही होता है, वो कह रहा था कि ये ले। अब मिडल फिंगर की बजाय वो साइड वाली फिंगर दिखा रहा होता है, कह रहा था कि बेटा अब तेरी बारी, ये ले ये ले। अभी वो बाबा जी का ठल्लू कर रहा है। खैर हम देखते हैं वो पर्सन कह रही होती है, वो जो लड़की होती है ना लेनी के साथ में, वो कह रही होती है कि तो ब्रदर लेन आपने बहुत सारी ड्रिंक कर ली, क्या तुम ठीक हो? लेनी कह रहा होता है कि नहीं मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। अब वो लड़की कह रही होती है कि ब्रदर लेन मुझे लगता है ना कि आपने ने जो वाइन है उसे पानी समझ के सारा पी के है। अब लेनी कह रहा था कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की जो कि लेनी को साइड में बैठा देती है, मतलब दूसरी साइड बैठा देती है, ड्राइविंग सीट पे नहीं दूसरी साइड। अब लेनी कह रहा था कि क्या पैसेंजर सीट पर मैं बैठ रहा हूँ? अब वो लड़की कह रही होती है कि हाँ आज आपने ना बहुत सारी ड्रिंक वगैरह कर ली है ब्रदर लेन, तो फिर आप आज ड्राइव मत करो, मैं आज ड्राइव करने वाली हूँ, अभी खुशी खुशी बोल रही होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये गाड़ी चलाती है, मतलब इसे आती है गाड़ी चलानी, खैर ये गाड़ी चला के मतलब जाने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी सो रहा होता है। थोड़ी देर के बाद इसके पास ना अचानक सिस्टम आता है। अब सिस्टम आते ही बोल रहा था कि कॉन्ग्रेचुलेसन मास्टर, आपने ये एंकरिंग का कैरियर कंप्लीट कर लिया। भाई कितनी जल्दी खत्म हो गया इसका कैरियर। खैर हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि वाओ। अब जो सिस्टम है ना वो बोलने लगता है कि देखो आपका नया कैरियर जो कि स्टार्ट होने वाला है फार्मर का है, ठीक है आपको 10 मिलियन RMG गोल्ड मिले हैं। अब लेनी कह रहा होता है क्या फार्मर का? अब लेनी कहने लगता है कि देखो तुम क्या मुझे कोई हाई कैरियर नहीं दे सकती? अब लेनी कह रहा था कि तुम मुझे कोई हाई कैरियर नहीं दे सकती? सिस्टम कह रही होती कि नहीं देखो ऐसा नहीं है, इसमें हाई और लो का कोई हिसाब ही नहीं है। वो कहने लगते हैं कि देखो जब भी आप नया कैरियर कंप्लीट करते हो तो आपको बहुत सारे रिवॉर्ड वगैरह अनलॉक होते हैं, ठीक है तो बस ये इसी के हिसाब से है, तुम बस टास्क कंप्लीट करते जाओ तुम्हें बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते जाएंगे। लेनी कह रहा था कि हाँ भाई तुम सिस्टम हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, मेरा क्या इसमें। खैर हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि मेरे को बस माउंटेन पर एक अपनी लाइफ जीनी है और वो भी क्लीन। खैर थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें आइसलैंड का सीन दिखाई देता है, मतलब एयरपोर्ट पे। खैर हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है ब्रदर लिन देखो उधर वो एक स्टार है। अब हम देखते हैं वो एक एक्ट्रेस को देख के ना खुश हो रही होती है। फिलहाल ये एक्ट्रेस होती है जो कि एयरपोर्ट पे आई होती है। फिलहाल इसकी खूबसूरती देख के ना सब लोग हैरान हो चुके होते हैं। फिलहाल इसका नाम वैंगसी जाओ होता है। तभी हम देखते हैं एक पर्सन कह रहा होता है कि ओह मुझे याद है ये पर्सन जाओ वैंगसी कहलाती है और इसकी काफ़ी सारी मूवी जो कि हॉट हॉट हो चुकी हैं। हम देखते हैं ये लड़की कह रही होती है कि यस यस आपने सही बोला, ये सच में बहुत ज़्यादा हॉट है। हम देखते हैं वो बोलने लगती है कि चलो ठीक है मैं ना अभी लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह स्टार्ट करती हूँ ताकि मेरा जो ट्रैफिक है वो काफ़ी अच्छा हो जाए, मतलब काफ़ी इंक्रीज़ हो जाए। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि डोंट वरी गाइस आज मैं आपको एक स्पेशल गेस्ट से मिलवाने वाली हूँ। वो कहने लगती है कि हमारे बीच बहुत बड़े स्टार वैंगसी हैं, ये अब ये लोग खुश हो रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन आता है, कह रहा था कि मिस जाओ देखो मेरे फ्रेंड ना आपका इंटरव्यू लेना चाहते तो आपके पास कोई टाइम वगैरह है? अब वो पूछ रहा होता है इससे, बट हम देखते हैं वो लड़की मना कर देती है, कह रही थी कि सॉरी देखो इंटरव्यू मेरे से मत लो, मेरे एजेंट से ना अपॉइंटमेंट वगैरह ले लो फिर मैं इंटरव्यू दूंगी। अब ये पर्सन बोल रहा था कि क्या तुम्हें पता भी मैं हूँ कौन? अब ये बंदा बोल रहा था, कह रहा था कि मैं मशीनरी का ऑनर हूँ, ठीक है तो तुम बताओ तुम ऐसे इंटरव्यू नहीं दोगी क्या? तुम हमारा मतलब कुछ अपना कुछ चेहरा नहीं दिखा सकती हमें लोगों को? अभी पर्सन बोल रहा होता है इससे, बट हम देखते हैं वो लड़की एटीट्यूड दिखा रही होती, कह रही थी कि नहीं मैं क्यों अपना चेहरा दिखाऊँ तुम लोगों को, ठीक है वैसे ही मैं फालतू लोगों को इंटरव्यू वगैरह नहीं देती, मैं रेगुलर मीडिया से मिलती हूँ, ठीक है तो तुम लोग जाओ जाके मेरा अपॉइंटमेंट वगैरह लो। अब ये उन लोगों के मना कर देती है, बट हम देखते हैं वो दोनों तीनों शॉक्ड हो जाते हैं, कह रहे थे क्या? फिलहाल वो पर्सन आता है लेनी के पास में और कह रहा होता है कि उन्होंने मना कर दिया। खैर लेनी कह रहा था कि सॉरी गाइस आज किसी कारणवश वो पर्सन हमारे साथ नहीं मिल पाए तो फिर हम आपको बाद में मिलेंगे, मतलब बाद में मिलवाएंगे उनसे। लेनी मना कर देता है और बस जाने लगते हैं। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग अपना सूटकेस उठा के जाने लगते हैं, वो लड़की बस देख रही होती है इन्हें। तभी हम देखते हैं एक मोटी सी आंटी आती है, वो कह रही थी कि अरे तुम तो जोंग युआन हो ना? अभी ये आंटी उस पर्सन को बोल रही होती है, ये पर्सन कह रहा होता है कि अरे आप कौन?
मैं तो आपको नहीं जानता, अभी थोड़ा मतलब अजीब बिहेव कर रहा होता है इसके आंटी के साथ में, कह रहा था कि मैं तो आपको जानते ही नहीं। फिलहाल हम देखते हैं, वो आंटी से याद दिलाती, कह रही थी कि अरे मैं आंटी वैंग हूँ, ठीक है, तुमने मेरे तुम्हारे ही फैमिली के साथ में मेरा डिनर हुआ था, ठीक है, याद है। वो कहने लगती कि बहुत पहले ना हमारा एक प्रोजेक्ट फंस गया था, तो तुम्हारी फैमिली ने मेरे को कम से कम 300 मिलियन दिए थे, इस चक्कर में मेरा करियर काफ़ी अच्छा बना, तो मैं आज तुमसे मिल गई हूँ, तो फिर चलो मैं आपको डिनर के लिए इन्वाइट करती हूँ। अभी आंटी उस पर्सन को ऐसा बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं, वो चिल्ला रही होती है, कह रही थी कि वैंगसी इधर आओ इधर आओ। अभी पर्सन आंटी मतलब वैंगसी को जानती है। फिलहाल वो कह रही होती है कि मैं तुम्हें ना कुछ फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये देखो। अब वो जैसी उससे इंट्रोड्यूस कराती है, वो कहने लगती है कि देखो ये ना यंग एक्ट्रेस है जो कि थोड़ी बहुत पॉपुलर है। वो कहने लगती है कि देखो जब इसकी मूवी वगैरह स्टार्ट होगी ना, तब तो मैं तुम लोगों को टिकट वगैरह प्रोवाइड करा दूंगी, तो तुम लोग आ जाना, ठीक है, इसका शो देखने के लिए। अभी आंटी इन लोगों को ये सब बता रही होती है। बट हम देखते हैं वो लड़की आती है, वो कह रही होती है कि हेलो गाइस। अब ये मतलब ओवर रिएक्ट कर रही है, कह रही है हेलो गाइस। बट हम देखते हैं वो पर्सन मना कर देता है, कह रहा था कि सॉरी तुम लोग बस प्रिटेंड कर रहे हो, वैसे पोलाइट होने का बस तुम नाटक दिखा रहे हो, ठीक है, मेरे को तुमसे नहीं मिलना। अभी पर्सन मना कर देता है, फिलहाल उसके सामने ही मना कर देता है, वो लड़की बस देख रही होती है। फिलहाल आंटी भी सॉकड़ हो जाती है। तभी हम देखते हैं ये बोलने लगता है कि देखो मेरे फ्रेंड्स को ना प्लेन वगैरह परचेस करना है, ठीक है, बाइक खरीदना है, तो मैं जा रहा हूँ। अभी बोल के जाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की जो कि एक्ट्रेस होती है, वो बस देख रही होती है और आंटी भी देख रही है। तभी हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है कि आखिर ये लोग कौन से एंकर हैं जो कि एक प्लेन को परचेस करने वाले हैं, ओ माई गॉड। तभी हम देखते हैं आंटी कह रही होती है कि तो वैंग से सुनो तुम अपने होटल वापस चले जाओ, ठीक है। अब आंटी ना इस लड़की से नाराज हो चुकी है, वो कह रही होती है कि देखो अपने एजेंट को कह देना कि मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती, ठीक है, अब अपने नेक्स्ट रोल प्ले के लिए किसी और को फाइंड कर लें। अब आंटी मतलब जा रही है गुस्से में। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की बस देख रही होती, कह रही होती कि मिस वैंग रुक जाओ प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। अब वो मतलब जा चुकी है, खैर अब क्या फ़ायदा। फिलहाल हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाई देता है जहाँ पर लिनी आ चुका होता है प्लेन परचेस करने के लिए। फिलहाल उसके पीछे एक लड़की आती है, वो कह रही थी कि मिस्टर लेन। अब उस पर्सन उस लड़की को देख के ना लिनी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि भाई और कोई नहीं, ये होस्ट येन होती है। लिनी कह रहा था कि ओह मिस येन आप यहाँ पर। लिनी कह रहा था कि व्हाट अ कोइंसिडेंट, तुम यहाँ पर कैसे, हम लोग कितनी बार मिलने हैं। वो लड़की कह रही होती कि हाँ मेरे जो बॉयफ्रेंड है ना यहाँ पे डिप्यूटी डायरेक्टर है, ठीक है, एयरक्राफ्ट के, तो मैं बस उनसे मिलने के लिए आई थी। अब ये पर्सन बोल रही होती, ये लड़की ऐसा कुछ बोल रही होती, लिनी कह रहा था कि वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं तो एक प्लेन खरीदने के लिए आया था, तो वैसे अब हम एक दूसरे को जानते हैं, तो फिर ठीक है तुम अपने बॉयफ्रेंड से कह के मेरे लिए एक प्लेन खरीदवा देना, ठीक है। अब लिनी कह रहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। वो लड़की कह रही होती है क्या तुम प्लेन खरीदने वाले हो, ओ माय गॉड तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई ग्रोसरी का सामान खरीद रहे हो। अब ये लड़की सौगड़ हो जाती है थोड़ी देर के लिए। लेनी कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या, वैसे भी प्लेन ही तो खरीदना है, तो बस मुझे बस प्लेन खरीदना है तो खरीदना है। अब वो लड़की कह रही थी कि ठीक है तुम मेरे साथ आओ। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो 2-3 प्लेन के पास आते हैं। अब वो एक पर्सन कह रहा था कि देखो ये 2 मॉडल हैं इस प्लेन के, ठीक है, आपको कौन सा चूज़ करना है। अब लिनी कह रहा था कि ये वाला। साइड में जो लड़की होती है ना वो कह रही थी कि हाँ मेरे को तो पता था कि जो मिस्टर ब्रदर लेन है ना वो यही प्लेन परचेस करने वाले हैं, लाइक यही इसी प्लेन को देखेंगे। अब वो लिनी पूछ रहा था कैसे, वो कहने लगता है क्योंकि तुमको बहुत बड़ा पसंद है ना। अब लिनी उससे कहने लगता है कि देखो नॉनसेंस जैसी बातें मन करना बंद कर दो, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं ये एक प्लेन में जाते हैं और प्लेन का दरवाजा ओपन करने के बाद ये लोग अंदर की तरफ आ चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं ये लोग प्लेन को बस चेकआउट कर रहे होते हैं अच्छी तरह से। अब वो लड़की मतलब लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है और प्लेन दिखा रही है। तभी हम देखते हैं लिनी इससे पूछ रहा होता है अपने दोस्त से, कह रहा था कि तो बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है। ये पर्सन बोलने लगता है कि फीलिंग तो ठीक है, वैसे किन्हैन से अच्छा लग रहा है मुझे। तभी हम देखते हैं लिनी अदर की साइड आता है और आके बैठता है, कह रहा था कि वाओ काफ़ी कंफर्टेबल है ये। तभी हम देखते हैं लिनी जो है उस लड़की से पूछ रहा होता है होस्टियन से, कह रहा था कि तो इसकी कॉस्ट कितनी है। वो लड़की बता रही होती कि ऐसा लग रहा है जैसे कम से कम 500 मिलियन होगी, हाँ 500 मिलियन से तो होगी होगी। लिनी कह रहा था कि अरे ठीक है वैसे ही मेरे सिप से बहुत कम है। अब लिनी बता रहा था, कह रहा था कि मेरे सिप से बहुत ही सस्ती है ये। तभी हम देखते हैं वो लिनी कह रहा था कि ठीक है फिर इसका प्रोसेसर कैसा है, मेरे को यही प्लेन खरीदना है। वो लड़की कह रही थी क्या तुम प्रोसेसर देखना चाहते हो, तुम्हें और कुछ नहीं देखना। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है लिनी की बात पे। फिलहाल हम देखते हैं वो अपने गाल पे हाथ रखती है, कह रही थी कि देखो रुको सुनो सुनो तुम बस मेरी तरफ से मजे हो, ठीक है, तुम बस मेरी वजह से खरीदो मत, ठीक है, तुम क्योंकि बहुत सारा पैसा है यार, आराम से केयरफुली खरीदो। हम देखते लेनी कह रहा था कि नहीं नहीं देखो मुझे तुम्हारे पर ट्रस्ट है, वैसे भी जो तुमने देखा वही मैंने देखा, ठीक है, और मेरे को तुम्हारे पर ट्रस्ट है, ठीक है, तो तुम बस बताओ प्रोसेसर कैसा है। फिलहाल जैसी लेनी ये बात बताता है ना उस लड़की को, वो लड़की ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और ये कहो कि ये इंप्रेस हो चुकी है इस लड़की लेनी से। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग बाहर आते हैं। अब वो एक लड़का आता है इसके पास, वो कह रहा था कि येन येन तुम यहाँ पर कैसे। अब ये और कोई नहीं, ये इसका बॉयफ्रेंड है। फिलहाल इसके बाल देखो यार कैला जैसे हैं। खैर हम देखते हैं इसका नाम जैंग होता है और ये डायरेक्टर वगैरह है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की इसके पास आती है, वो कह रही थी कि देखो मैं अपने फ्रेंड के साथ में आई थी यहाँ पे, तो और मेरे फ्रेंड को ना प्लेन को परचेस करना है, लाइक ये जेट खरीदना है प्राइवेट, तो आप किसी को बुला लो इंट्रोड्यूस करवा लो। अब ये पर्सन ना लिनी की ड्रेस वगैरह देखता है, कह रहा था कि अच्छा ऐसी ड्रेस दे पहन के ये प्राइवेट जेट खरीदने के लिए आया है,
मुझे तो नहीं लगता। हम देखते हैं, वो उसका हाथ पकड़ता है, कह रहा था कि तुम थोड़ा साइड में आओ मेरे साथ। अब ये ना उस लड़की को बहुत ज़्यादा सुना रहा है, कह रहा था कि वड्डा है, आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, बताओ जरा, क्या तुम्हें मैं इडियट दिखाई दे रहा हूँ? देखो जरा, तुम्हें पता भी है, वो उस लड़की के हाथ में देखो कैमरा है और वो लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह कर रही है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनके साथ कॉपरेट वगैरह करूँ ताकि कुछ ट्रैफिक वगैरह आ जाए यहाँ पर, है बताओ? अब ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है उस लड़की के ऊपर। फिलहाल हम देखते हैं, वो लड़की कह रही होती है कि नहीं नहीं देखो, तुम मेरा विश्वास मानो, लेनी ना काफ़ी अमीर है, ठीक है, वो तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा रिच है। वो लड़की कह रही होती है कि देखो, वो ट्रैफिक ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए नहीं कर रहा है ये सब। वो लड़का कह रहा था कि देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर एक टीवी होस्ट और एक एंकर फ्रेंड कैसे हो सकते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता। तो गाइस तुम लोग बताओ, तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसे लगी? तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।